इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। ये तस्वीरें वहीं की जहां पर इस वक्त झड़प कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस, चूंकि बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन ये इजाजत सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही मिली है। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस काफिले के साथ मौजूद थे जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहाँ से हाथरस जाने के लिए निकले, और उसी जगह पर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसे फौरन काबू में किया जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जब यहां पर बेकाबू हुए तो उसके बाद वहां पर झड़प की तस्वीरें और उससे जुड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि झड़प कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच, कार्यकर्ताओं को यहां पर काबू करने के दौरान देखिए झड़प हुई। दूसरी तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे कांग्रेस के बड़ी संख्या में और ये तमाम लोग यहां पर जुटे हाथरस जाने के लिए। लेकिन यहां पर चूंकि इजाजत सिर्फ 5 लोगों को ही पुलिस की तरफ से मिली, यूपी सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो कि हाथरस जाने के लिए निकले थे लेकिन डीएनडी पर अटके हुए थे, पहले राजनीतिक दलों को हाथरस जाने की मनाही थी, इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद 5 लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन चूंकि पहले से ही यहां पर एक बड़ा जमावड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगा हुआ था, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ यहां पर जुटे थे, और उसी बीच जब यहां से या तो हटाने की कोशिश की गई होगी, इन्हें यहां से जाने के लिए कहा गया होगा, तो फिर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, ये उग्र हुए होंगे और शायद इसीलिए ये झड़प वहां पर हुई है। और फिलहाल उस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश वहां पुलिस प्रशासन की, तस्वीरें देखिए आप, और इसीलिए ये तस्वीरें फिर से सवाल उठाती है कांग्रेस के मंसूबों पर कि आखिर इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस क्यों दिखा रही है, ये जमावड़ा किस लिए लगाया जा रहा है, ये राजनीतिक ड्रामा किस लिए सड़कों पर, ये डीएनडी पर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों। जब जरूरत इस वक्त न्याय की है तो फिर इस न्याय की आड़ में इस राजनीति की जरूरत क्यों आन पड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए, जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी सीधे तौर पर परेशानी का सामना आज करना पड़ रहा है। सुबह से ही जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा है, पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल अब पूरे हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि अब इजाजत मिल चुकी है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को, और आज ही ये इजाजत सबसे थोड़ी ही देर पहले यूपी सरकार की तरफ से दी गई हाथरस जाने के लिए, लेकिन 5 लोगों को ही इजाजत मिली है, यानी कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सहित टोटल जो है वो कुल 5 लोग ही जा सकते हैं हाथरस। और इसके बाद जब ये भीड़ यहां पर इकट्ठा है इतनी बड़ी संख्या में, तो इस भीड़ को, इस जमावड़े को यहां से हटाने की जो कोशिश पुलिस ने की होगी, उसी दौरान आपस में कहा सुनी धक्का मुक्की और उसके बाद ये झड़प की तस्वीरें आप देखिए, डीएनडी पर जाम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस जमावड़े की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। और आखिर क्यों ना इसे फिर सियासत से जोड़ा जाए, क्योंकि सियासत तो हो रही है, एक बेटी के सम्मान की फिक्र नहीं, दरअसल कांग्रेस को अपने वोट बैंक की जरूरत है, नजर यूपी पर और साथ ही बिहार पर भी, नजर उस दलित वोट बैंक पर है जिस परिवार के साथ आज अन्याय हुआ, उस परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर इस तरह की तस्वीरें आज सामने आ रही है कांग्रेस की। तो देखिए हाथरस में पीड़ित परिवार से आज यूपी के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुलाकात की। परिवार से मिलने के बाद अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हाथरस के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हाथरस की घटना बहुत दुखद, अवनीश अवस्थी हाथरस मामले में एसआईटी ने, उन्होंने बताया कि एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और जो सच है वो जल्द सबके सामने होगा। सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी जो है अपना काम कर रही है, एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको एसआईटी नोट करेगा
और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है डीआईजी साहब हम लोगों ने संयुक्त रूप से कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। तो जांच शुरू हो गई है, सच सबके सामने होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। लेकिन जब जी न्यूज के सवाल सामने आए यूपी के डीजीपी के, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी न्यूज ने जब पूछा कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया गया, तो जी न्यूज के सवालों पर चुप्पी साध गए डीजीपी। डीजीपी हितेश अवस्थी से कई सवाल हमारे रिपोर्टरों ने किए, यूपी के डीजीपी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो चुप्पी साधते हुए आगे निकल गए। तो ये सवाल, जो सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है, ये जी न्यूज के जब रिपोर्टर ने पूछने की कोशिश की तो इन सवालों का जवाब दिए बगैर वहां से डीजीपी हितेश अवस्थी निकल गए। हमारा नहीं है अंतिम संस्कार, क्या आप लोग के संज्ञान में था? डीजीपी साहब कब चुप्पी तोड़ेंगे आप? अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। इतना बड़ा अपराध, अपराध होते जा रहे हैं, आप कब चलेंगे सर? नार्को के बारे में क्या कहेंगे सर? तो जी न्यूज के सवाल, लेकिन यूपी के डीजीपी इस पर बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल गए। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों, ये महत्वपूर्ण सवाल जो आज हर कोई पूछ रहा है। लेकिन इस बीच अब राजनीति क्योंकि इस पर पूरे मामले पर हो रही है, लेकिन इजाजत मिलने के बाद अब देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहां से निकल चुके हैं क्योंकि इजाजत मिल चुकी है। पहले राजनीतिक दलों को आतरस जाने की इजाजत नहीं थी, एहतियातन कहा यह जा रहा था क्योंकि एसआईटी जांच हो रही है तो एहतियातन नहीं जाने दिया जा सकता, लेकिन अब 5 लोगों को जाने की इजाजत। तो कांग्रेस के 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो तमाम लोगों को वहां पर बाकी कार्यकर्ताओं को रोका गया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हाथरस के लिए निकल चुके हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जो इस वक्त डीएनडी पर ही मौजूद है, रवि निकल चुके हैं राहुल और प्रियंका, अब चूंकि इजाजत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, 5 लोगों को इजाजत मिली थी और 5 लोग एक सवार गाड़ी में सवार होकर निकल चुके हैं। इसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और उसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं, संगठन महासचिव पीएल पुनिया हैं, और 2 लोग जो निजी सहायक हैं, एक प्रियंका गांधी के साथ हैं संदीप सिंह, और दूसरे निखिल अलवा जो कांग्रेस में काम करते हैं, आईटी सेक्टर का भी, पूरा सेल का भी काम देखते हैं। तो ये 5 लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि थोड़ी थोड़ी भिड़ंत हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, लेकिन राहुल गांधी ने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा था गाड़ी पर खड़े होकर कि क्या हमें 5 आदमी को इजाजत मिली है, हम लोग जाएं या हम लोग सबको चलना है? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, आप जा सकते हैं। उसके बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकले हैं और उसके बाद सारी गाड़ियों को रोक दिया है पुलिस ने, क्योंकि पुलिस चाहती है कि एक गैप के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट गैप के बाद इनको वापस भेजा जाएगा, इन गाड़ियों को, चाहे आगे से जाकर यू टर्न लेने की व्यवस्था होगी, लेकिन फिलहाल इन गाड़ियों को और इनके कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका गया, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की गाड़ी को यहाँ से छोड़ा गया है। और अब लोग ये यहाँ से निकल कर धीरे धीरे, मुझे लगता है आधे घंटे के आसपास में ये लोग निकलना शुरू होंगे, लेकिन ये जाम अभी लंबा रहेगा। मुझे लगता है कि ये जाम लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जाम रहने वाला है, क्योंकि गाड़ियां वापस जाएंगी तब भी जाम लगेगा, और यहां से आगे से यू टर्न लेकर दिल्ली की तरफ जाती है तब भी जाम रहने वाला है। रवि, खबरें ये भी आ रही थी कि क्योंकि वहां पर हम देख तो रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक भीड़ इकट्ठा करके वहां पर जमा हो गए हैं, ये जमावड़ा, जिसकी वजह से झड़प हुई है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच वहां। जी, थोड़ी देर के लिए वो झड़प इसलिए थी कि राहुल गांधी का रास्ता जो क्लियर करना था पुलिस को, पुलिस ने पहले समझाया कार्यकर्ताओं को, लेकिन जब कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, ये देखिए लास्ट लेन है, इस वाले लेन से राहुल गांधी को निकाला गया है, लेकिन जब कोशिश कर रही थी पुलिस की आप साइड हो जाओ, तो कार्यकर्ता जब उसमें कहीं ना कहीं उत्साह में थे और हल्ला मचाने लगे, तब उनको थोड़ी सी लाठी चार्ज करना पड़ा ताकि ये तितर बितर हो और रास्ता बने। तो वो मुश्किल से थोड़ी 2-3 मिनट की घटना थी जिसमें कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था उनको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ तितर बितर किया, और उसके बाद राहुल गांधी की गाड़ी निकलवाई
देखिए पूरी तरह से शांति है, पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई है, उनके कार्यकर्ता भी आपस में गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और धीरे धीरे निकलने की तैयारी की जा रही है। पुलिस बार बार यहाँ अनाउंसमेंट कर रही है, माइक भी यहीं लगा हुआ है कि थोड़ी देर में आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आपको यहाँ से निकलने दिया जाएगा। रास्ता यू टर्न होने के जाने पर तो बहुत लंबा जाम हो जाएगा, इसी रास्ते को खोला जाएगा और आगे से आप लेफ्ट होते हुए मयूर विहार होते हुए यहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती है, ये प्रावधान किया गया पुलिस की तरफ से। और पुलिस ने बकायदे बातचीत करके, जो रणविजय सिंह डीसीपी हैं वो यहाँ मौजूद थे, उनको उनसे सीनियर अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, लगातार माइक से अनाउंसमेंट किया गया, लोगों को कार्यकर्ताओं को बताया गया ये स्थिति है और आपको यहाँ से अब जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर रुक के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये रास्ता खोला जाता है। ठीक है रवि, यानी कि वो जो सियासी पर्यटन यहाँ से शुरू होकर अब हाथरस पहुंचेगा, उसको इजाजत मिल चुकी है, राहुल गांधी वहां से रवाना हो चुके हैं, टोटल 5 लोग यहाँ से निकले हैं और अब कार्यकर्ताओं को यहाँ से वापस भेजने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर अब ये आपको बता दें कि क्या हाथरस में सियासी मुआवजा वसूलना चाहती है कांग्रेस, ये एक सवाल है और सवाल क्यों है वो भी आप समझिएगा। कांग्रेस के लिए क्या बेटी बचाना जरूरी है या फिर वोट बैंक की राजनीति? दो कथित वायरल ऑडियो सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जिक्र है। क्या 2 मिनट का वायरल ऑडियो कांग्रेस के हाथरस प्लान की पोल खोल देगा? सबसे पहले आपको ऑडियो का पहला हिस्सा सुनाते हैं, आप सुनिए। हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं, टीम आई हुई है, ठीक है, वो पूरे 3 बंदे आए होंगे। अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन दबाव बना है, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा, ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है, ये सब कुछ बताना और जो ऐसे बीमार उनको बात कर दो काफी डरे हुए थे, क्या काफी डरे हुए थे, ये बोले काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले उनके। अच्छा अब भाई बोलना चाहिए था ना, ये हमें कमजोर तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है ना, अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता दुकान कराता तो भेजता हूँ, तो इस बात को भी रखना है कि हमसे पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते, ईडी एमडी जो भी हमसे पैसे बना रहे थे कितने परिवार वालों को और जो भी इस तरह की घटना है वो बताए तो कही हमें, वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत अगले जो रखे नर्वस है वो अच्छा था। हाँ राहुल आए रहो हम पर नौ डाम है लगे भाई ना जी, आप बोला को राहुल नाम है ना है? राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आम ना दे रहे भाई रोक ही लो नौ डाम है और प्रियंका और पैदल आ रहा मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन कर रहा है? टीवी ने दिखाया रहा सवरे और दिनों का फोन आओ चाहते मैंने कती जो कह रहा है मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और 1 रुपये फैसला कर ले, तो साथा कह रहा है कि फैसला मत होंगी, एक और कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दूंगा पर फैसला ना हूँ दूंगा मैं, कोई नेता है ना वो मैंने। तो ये 2 ऑडियो जो कि वायरल हो रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे सवारों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। तो हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित की मां जी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार नार्को टेस्ट नहीं कराएगा। पीड़ित की मां ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वहीं पहली बार आरोपी की मां ने अपना पक्ष रखा। जी न्यूज से बातचीत में आरोपी लवकुश की मां ने कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कोई बदसलूकी नहीं की, उल्टे उसने पीड़ित लड़की की मदद की। मीडिया से क्यों रोका जा रहा है? जन किस बात का डर लग रहा है? बात नहीं करने दे रहे थे। नहीं क्या 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 कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, ये कह रहे थे अरे लेना ले, ले दे के अपना वो करो, तो मेरे हमने जो कि हम पैसे के क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे पैसे ले लो। क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार है? नहीं नहीं नहीं, हमें कौन सा हुआ है? उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों
मानेंगे अगर तो उसे माने उसके भाई ने वो को मारा है। भैया जब इसी दूरी पे बेटी अब काट रही है, इतनी दूरी पे बेटी हल्ला मचा नहीं सकती थी, जब उसने मारा है जभी तो नहीं हल्ला मचा रहा है। तो लवकुश का नाम कैसे आया? अब मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे बेटा का नाम क्यों लिया, क्या कैसे लिया। मेरे बेटा ने तो पानी पिलाया था, अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्यों ले दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.